अंसारी के करीबी गुर्गे शकील हैदर पर दर्ज मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने जा रहा है। इसके खिलाफ 25-30 पीड़ितों ने चौक SP कार्यालय में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि इन पीड़ितों से जालसाज शकील ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन बेची और मोटी रकम हड़प ली है। वर्तमान में शकील को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो जेल में बंद है। उसकी जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है, लेकिन कुछ रसूखदार और सफेदपोश उसे छुड़ाने में जुट गए हैं। पुलिस के मुताबिक पुराने लखनऊ के शीश महल में रहने वाला शकील हैदर लखनऊ में मुख्तार अंसारी का सबसे करीबी गुर्गा है। उसने अमीनाबाद के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से लोन कराया। ये लोन हिंद कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और हिंद बिल्टेक कंपनी के नाम कराया गया। बैंक के अधिकारी के मुताबिक हिंद कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 65 करोड़ रुपए का लोन कराया गया था। ये लोन हासिल करने में शकील हैदर के अलावा हनी अब्बास, वारिस हसन और तनवीर अहमद शामिल थे। वहीं दूसरी कंपनी हिंद बिल्टेक के नाम से 42 करोड़ का लोन शकील हैदर ने कराया था। इन दोनों कंपनियों के खाते में लोन की रकम पहुँचने के बाद शकील ने उसे खर्च कर दिया, लेकिन किस्त की रकम देने में आनाकानी करने लगा। इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने रिकवरी के लिए टीम लगाई, जिस पर शकील ने अपना रसूख दिखाते हुए अधिकारियों को धमकी दी। रकम वसूली नहीं हो सकी। इसी बीच में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। इसके बाद मामले की जांच PNB के अधिकारियों द्वारा की जाने लगी। वहीं इस मामले की शिकायत पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से की गई। इस बीच 4 पीड़ितों ने DCP पश्चिम सोमेन वर्मा के कार्यालय में फर्जी दस्तावेज पर रजिस्ट्री की शिकायत की, जिस पर जांच के बाद वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में शकील हैदर को वजीरगंज पुलिस ने 12 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक शकील हैदर ने बैंक में गिरवी रखी ठाकुरगंज के बरावन कला की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद करीब 70 लोगों के 1000 वर्ग फीट से 3000 वर्ग फीट तक की जमीन की रजिस्ट्री कर दी। जब रजिस्ट्री कार्यालय में दाखिल खारिज के लिए जमीन मालिकों ने आवेदन किया, तो सभी को पता चला कि जमीन का दस्तावेज पहले से ही बैंक में गिरवी रखा गया है। इस पर 4 लोगों ने DCP पश्चिम के कार्यालय में शिकायत की, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं शकील के फर्जीवाड़े की जानकारी कई न्यूज़पेपर को मिली और ये शिकायत मिलने पर अन्य रजिस्ट्री करवाने वालों ने भी पुलिस से संपर्क करना शुरू कर दिया। पिछले दिनों 25-30 पीड़ित ने चौक SP कार्यालय में शिकायती पत्र दिया। SP चौक इंद्र प्रकाश सिंह के मुताबिक सभी मामलों की जांच DCP पश्चिम के निर्देश पर किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।